Also in Assam, a prominent Bodoland leader, in fact, the chief of the Bodoland People's Front, said that the key, said to be, in fact, he is said to be the key kingmaker in the state, who until last election had aligned with the BJP. But this time around, he switched sides to the Congress. Why exactly? Hear from him. ये कहा जाता है जैसे रामविलास पासवान जी थे मौसम वैज्ञानिक थे असम की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक आपको माना जाता है हाँ उसको तो मानना ही पड़ेगा अभी हम कांग्रेस के साथ आ गया कांग्रेस का महाजोत सरकार बनेंगे उसके आगे 2016 में मैंने बीजेपी से अलायंस किया था इसीलिए बीजेपी ने सरकार में आया उसका आगे दो बार कांग्रेस से हमने आपने बीजेपी का साथ या बीजेपी ने आपको डंप क्यों किया बीजेपी ने हमको डंप किया ऐसे ये तो हेमंत बिश्व शर्मा का है वो दूसरा का बात नहीं हेमंत बिश्व शर्मा ने हमसे लड़ाई किया एक नेडा मीटिंग में मैंने किया मैंने कहा था कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बीजेपी का सर्बानंद सोनोवाल जी बनेंगे और सरकार भी बीजेपी का ही आएंगे ऐसा बोला था उसको हेमंत बिश्व शर्मा जी ने खराब पाया मेरे को उसी दिन से हेमंत बिश्व शर्मा ने मेरा अगेंस्ट में पूरा तो हेमंत तो आज भी आपके एरिया में घूम रहे हैं हेमंत हेमंत आने में यहाँ में बीटीसी का बात अलग है हेमंत जी का बीटीसी में बात नहीं चलेगा बीटीसी में हमारा बीपीएफ बात ही चलेगा ये बताइए कि आप क्या वापस अगर हंग होता है तो वापस आप फिर बीजेपी नहीं, नहीं, जा सकते हैं हंग होने वाला कोई प्रश्न नहीं है हंग नहीं होगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमारा महाजोत कांग्रेस का नेतृत्व में महाजोत आराम से ये कहते हैं मोदी जी का फोन आएगा अमित शाह का फोन नहीं, आएगा नहीं, तो... मोदी जी का फोन क्यों पकड़ेगा मैं अमित शाह का फोन क्यों पकड़ेगा हमको जितना लात मारा बीटीसी निर्वाचन में हमको क्या किया असम में जितना भी आरएसएस है जितना भी बीजेपी है जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर है बीटीसी में हमको क्या धोखा दिया